राजस्थान में दुष्कर्म मामले में घिरे कांग्रेस नेता और बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह आदेश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति महिला के साथ दुष्कर्म करता दिखा है। दूसरे वीडियो में महिला के साथ एक बच्ची भी दिखी। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स मेवाराम जैन ही है। हालांकि न्यूज 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मेवाराम पर एक पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाते हुए दो अश्लील वीडियो का जिक्र किया। विधानसभा चुनाव में भी ये मामला जोर शोर से उछाला गया। मेवाराम जैन बाड़मेर के वरिष्ठ नेता हैं। 3 बार विधायक भी रहे और इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया लेकिन चुनाव हार गए। अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते हैं। गहलोत ने राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया। तो वहीं भाजपा ने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने जहां एक और मेवाराम जैन की सदस्यता निलंबित की तो वहीं भाजपा पर भी आक्रामक हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेवाराम जैन की सदस्यता रद्द करने को लेकर प्रेस रिलीज शेयर किया और लिखा, बृजभूषण शरण सिंह को तो भाजपा ने नहीं निकाला, हाँ कांग्रेस ने तुरंत मेवाराम जैन को पार्टी से निकाल दिया। ये फर्क है दोनों पार्टियों में और इसी फर्क पर हमें गर्व है। बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी के साथ भी मेवाराम जैन के फोटोज वायरल हुए। हाल ही में जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही दो अश्लील वीडियो का भी जिक्र किया। विधानसभा के चुनावों में यह मामला जोर शोर से उछाला गया। महिला का आरोप है कि जैन और उसके साथी रामस्वरूप आचार्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की। महिला की शिकायत पर मेवाराम जैन और आरपीएस आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल टेस्ट भी करवाया और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए। मेवाराम जैन ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली और इसके बाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए। बहरहाल कांग्रेस के इस पूर्व विधायक पर जो आरोप लगे और पूर्व विधायक की इस गंदी हरकत की बात अब सामने आ रही है, इसने शर्मिंदगी से भरा काम किया है। इस घटिया हरकत से एक बात तो साफ है कि जो नेता मंच पर खड़े होकर सबके सामने औरतों के इज्जत की बात करें और जब वही औरतों की इज्जत को बेआबरू करने पर उतर जाए तो फिर ऐसे नेता से जन कल्याण की क्या ही उम्मीद की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.